खबर आजकल सब और सब सिर्फ होती है तो वो कोरोना से जुड़ी होती है। खबर सबसे पहले उस ऑक्सीजन की जिसकी कमी सैकड़ों जान ले रही है। ऑक्सीजन के लिए लोग शहर शहर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नासिक में यही संजीवनी ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हुई है। शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से अड़कंप मच गया। काफी देर के बाद इस पर काबू पाया गया, लेकिन तब जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन तब तक रिसती रही। एक तरफ जहां देश भर में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, परिजन परेशान हो रहे हैं, वहीं इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रिस जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, बर्बाद हो जाती है और काफी देर के बाद इस पर काबू पाया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। अस्पताल का नाम है पुणे का जाकिर हुसैन हॉस्पिटल। पंकज केलकर सीधे पुणे से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे संकट के दौर में जब ऑक्सीजन की बेहद कमी है, पंकज, ये ऑक्सीजन कैसे बर्बाद हो गई, कैसे लीक हो गई? देखिए सही, ये जो दृश्य है ये नासिक शहर के अंदर जो पुराना नासिक शहर है, जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल के ये दृश्य है, जो कि महानगर पालिका जो नगर निगम का जो टैंकर है वहां से ये ऑक्सीजन लीकेज हो गया है और वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जो मरीज है वहां पर तकरीबन 170 मरीज वहां पे ऑक्सीजन की मदद से वहां पर है, जिनका इलाज चल रहा है और तकरीबन 65 से 70 मरीज वेंटिलेटर पर है। तो इसमें ये समस्या जो सामने आ गई है कि अब इनका क्या होगा, इसलिए इनको यानी शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। और लीकेज किस वजह से हुआ ये तो जांच के बाद होगा, लेकिन आज के तारीख में जो महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, सिलेंडर की ज्यादा जरूरत है, उस वक्त इस तरह से लापरवाही है या कुछ चूक हो गई है या कुछ और कारण है, ये स्पष्ट तभी होगा जब पूरा सामने मामला आएगा। लेकिन मरीजों की हालत या मरीज बहुत ज्यादा समस्या में इसके कारण हो गए हैं, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है किसी और अस्पताल में। सही, बहुत धन्यवाद पंकज। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नासिक की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक ऑक्सीजन से भरे टैंकर से ऑक्सीजन रिस गई, निकलने लगी और अस्पताल के बाहर ही ये टैंकर खड़ा हुआ था। काफ़ी मुश्किल के बाद इसे रोका गया, लेकिन तब तक भारी मात्रा में ऑक्सीजन बर्बाद हो चुकी थी और ये काफ़ी गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ऐसे दौर में देखिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर के रिसाव को रोकने के लिए तैयार करते कर्मचारी।